नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोविंग। अब यहाँ बात करें, हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है गिवन स्टेटमेंट में से। फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है, क्रिस्टोगेमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगेमी। इफ वी टॉक अबाउट द क्रिस्टोगेमस फ्लावर, तो क्रिस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज फ्लावर। क्रिस्टोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, क्लोज फ्लावर। तो क्रिस्टोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, क्लोज्ड फ्लावर। अब जो फ्लावर क्लोज है उन फ्लावर में ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज दे शो, ऑलवेज इन फ्लावर में क्या होगा, ऑटोगेमी। क्या होगा इन फ्लावर्स में, ऑटोगेमी। तो यस, क्योंकि क्लोज फ्लावर है, बाहर से कोई पोलन रे नहीं आ पाएगा। तो यहाँ बात करें ए, ए क्या है, करेक्ट। बी अगर हम बात करें, क्रिस्टोगेमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट जिटनोगेमी। क्रिस्टोगेमस फ्लावर के बाद यहाँ लिखा है चेस्मोगेमस फ्लावर। अब चेस्मोगेमस फ्लावर जो है वो ओपन फ्लावर है, और फ्लावर अगर ओपन है तो उसके अंदर बाहर से पोलन आ भी सकता है, बट अपने खुद के पोलन के थ्रू भी तो पोलिनेट हो सकता है ना। तो क्या ऑलवेज वो ऑलवेज क्या जिटनोगेमी शो करेगा, नहीं करेगा। नेक्स्ट सी, क्रिस्टोगेमस फ्लावर्स एग्जिबिट बोथ ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी। क्रिस्टोगेमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगेमी बट नॉट जिटनोगेमी। क्रिस्टोगेमस फ्लावर में बाहर से पोलन रे नहीं आ पाएगा, तो सी बी फोर्स हो गया। चेस्मोगेमस फ्लावर और ओपन फ्लावर नेवर एग्जिबिट ऑटोगेमी। अगर फ्लावर ओपन है तो यहाँ पर ये स्टिग्मा है, और यहाँ पर ये एंटर है, तो ये यहाँ पर पोलिनेट तो कर सकता है ना इसको। तो यहाँ पर बात करें नेवर एग्जिबिट, तो यहाँ पर नेवर नहीं आएगा, इनके अंदर भी ऑटोगेमी देखी जाती है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो हमें फाइंड करना है करेक्ट, तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए, एंड द आंसर विल बी ए।